नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर की ओर। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां एक बड़ा वर्ग खेती किसानी पर निर्भर है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसी कड़ी में सरकार की तरफ से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसके लिए आप 31 दिसंबर साल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान पर आर्थिक लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत रबी सीजन की फसलों का बीमा कराने के लिए कट ऑफ डेट तय कर दी गई है और इस योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा किया जाता है। इस बीमा का फायदा किसानों को तब मिलता है जब उनके फसल को आंधी, बाढ़, सूखा या तूफान से कोई नुकसान हो गया हो। पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन की फसलों का बीमा कराने के लिए कट ऑफ डेट तय कर दी गई है। किसानों ने अपने खेतों में गेहूं, सरसों, चना समेत अन्य रबी फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। किसानों से कहा गया है कि वे आपदा से फसल सुरक्षा और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए इस योजना में लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें। खरीफ सीजन की तुलना में रबी फसलों के लिए औसत बीमा प्रीमियम दर भी घटा दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन को समर्थन प्रदान करना है। अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पादन फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना है। किसानों को नए और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुरक्षित करना, जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ाने के अलावा किसानों को उत्पादन जोखिम से बचाने में मदद करेगा। इस योजना के तहत खाद्य फसलें, तिलहन, वार्षिक वाणिज्य, वार्षिक बागवानी फसलों पर बीमा दिया जाता है। गेहूं, सरसों और चना समेत अन्य रबी फसलों का बीमा कराने के लिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर से पहले आप इसके लिए जाकर आवेदन कर सकते हैं। खरीफ सीजन की फसलों के लिए किसानों को कुल बीमा राशि का 2% प्रीमियम चुकाना पड़ा है। रबी सीजन की फसलों के लिए किसानों को कुल बीमा राशि का 1.5% प्रीमियम चुकाना है, जो खरीफ सीजन से 0.5% कम है। इसके साथ बागवानी और कमर्शियल फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को कुल राशि का 5% प्रीमियम चुकाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाएं। खेती से जुड़ी हर तरह के नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी केंद्र पर जाएं या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। शुक्रिया।